Hello students, well, hope that you understood the germination of seeds properly because that is what we covered in the last class, didn't we? पिछले क्लास में हम लोगों ने जो germination of seeds को कवर किया था, चलो ठीक है, seed का germination तो हो जाएगा, लेकिन बात ही ये है कि seed को जो है अलग-अलग जगहों पर आपने notice किया होगा कि बहुत जगह पर अचानक से जो है people का पेड़ जो है वो पैदा हो जाता है, कुछ जगहों पर जो है घास वगैरह बहुत सारे होते हैं जो लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं एकदम से, खासकर रोड के किनारे आपने देखा होगा ना, वो व्हाइट व्हाइट सा फ्लावर वाला एक जो है घास होता है, काफी ज्यादा उसकी ग्रोथ होती है, काफी तेजी में वो फैलता है, राइट? तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल है ना कि उसका सीड जो है वो उसके एग्जिस्ट आई मीन उसके लोकेशन से कहीं आगे तक पहुंच जाता है, राइट? तो ये सीड जो है अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंचता कैसे है, ये ट्रेवल कैसे करता है? दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. ओके, सीड सब जो इधर उधर फैल जाता है इसको कहते हैं हम डिस्पर्सल ऑफ सीड. द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. मतलब कि स्कैटरिंग मतलब होता है बिखरना, फैलाना, ठीक है ना, ठेठी भाषा में बोलो तो छींटना, ठीक है? तो मदर प्लांट से जो मेन प्लांट है, मदर प्लांट, उससे दूर जो है बीज का फैलना, बीज का जो है फैल जाना, यही कहलाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड. समझ गए? ये डेफिनेशन जो है समथिंग, दिस डेफिनेशन इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. इसको याद करना है आपको, रखना है याद ध्यान में कि डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब हो गया कि मदर प्लांट से जो मेन प्लांट है उससे दूर तक बीज का फैलना, बीज का जो है फैल जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. Now, dispersal of seeds is necessary for the better growth of plants. Dispersal of seed जो है, बीज का जो है अपने mother plant से दूर जो है इधर उधर फैल जाना, ये plant के growth, बेहतर growth के लिए, better growth के लिए ये necessary है, मतलब कि आवश्यक है. Because if all the seeds fall at one place, they would not get sufficient nutrients, water, sunlight and space to grow. क्योंकि अगर सारा सीड एक ही जगह पर गिर गया तो फिर उनको जो है सफिशियंट ना तो न्यूट्रिएंट मिलेगा, ना वाटर मिलेगा, ना सनलाइट, और ना ही जगह. तो इसलिए जो है बीज का अपने मदर प्लांट से दूर दूर तक फैलना, स्कैटर होना, डिस्पर्स होना, ये जो है जरूरी है. समझ गए आप डिस्पर्सल का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर मान लो कि आपके एक चावल के प्लांट से मान लो कि 100 जो है सीड्स मिले, ठीक है, तो वो 100 का 100 सीड अगर वहीं पे गिर गया तो फिर 100 चावल के नए प्लांट्स जो है वहीं पर पैदा हो जाएंगे, है कि नहीं? तो अगर 100 चावल का प्लांट अगर इतने मान लो पहले इतने बड़े जगह पर इतने बड़े एरिया मान लो पहले जो है एक चावल का प्लांट था, ठीक है, अब इसकी जगह पर अगर 10 आ गया फिर, या 100 आ गया अगर इसकी जगह पर, तो इसमें क्या होगा? फिर एक प्लांट के लिए जो जगह है उसमें अगर 100 प्लांट आ जाएंगे तो किसी भी प्लांट को जो है ढंग से बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी. सब प्लांट एक दूसरे से जो है उसी लिमिटेड वाटर और लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ाई करेगा, तो सबका पेट नहीं भरेगा. मतलब ठीक वैसे ही समझ सकते हो जैसे एक थाली, अगर एक आदमी के खाने की थाली में जैसे 10 लोग नहीं खा सकते, वैसे ही एक प्लांट के लायक जो सही जगह है उसमें 10 प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते. अगर वो पैदा हो गए, अगर मान लो कि 10 के 10 सीड जो है मदर प्लांट के वो अगर उसके बगल में ही गिर गए तो फिर क्या होगा? सभी प्लांट का ग्रोथ जो होगा वो अफेक्टेड होगा, सभी प्लांट्स का ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ना तो उनको सफिशियंट न्यूट्रिएंट मिलेगा, ना वाटर, ना सनलाइट, और ना स्पेस. Okay, now we know that plants are fixed to soil and cannot move on their own, right? अब ये तो हमको पता है कि प्लांट जो है वो जमीन के साथ फिक्स है, तो वो अपने मन से तो मूव नहीं कर सकता, right? Therefore, nature has provided some methods by which the seeds of plants get scattered to large distances. इसलिए जो है नेचर ने ऐसे मेथड्स दिए हैं, नेचर ने ऐसे मेथड्स प्रोवाइड किए हैं, प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा प्लांट्स का सीड जो है वो लंबी लंबी दूरी तक जो है फैल जाता है, लंबी लंबी दूरी तक जो है इट गेट्स स्कैटर्ड. ओके, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय, अब सीड के डिस्पर्सल के मेथड्स क्या है? तो विंड, वाटर एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये जो है की एजेंट्स हैं, ठीक है, बीज को फैलाने के, बीज को डिस्पर्स करने के की एजेंट्स कौन कौन सी हो गए? विंड, हवा, वाटर, पानी और एनिमल्स, जिसमें कि इंसान भी शामिल है. तो ये सब क्या कहलाते हैं? एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. ओके, इसके अलावा कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो कि एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं. तो चलो फिर हम जो है इन डिस्पर्सल एजेंट्स को या एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं. ओके,
नाउ डिस्पर्सल बाय विंड्स, ये कैसे होता है? सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स, कुछ प्लांट्स जो है उनका बहुत छोटा और हल्का सा बीज होता है, ठीक है। दीज सीड्स ऑल्सो हैव विंग्स और हेयर, इन सीड्स के साथ जो है या तो अपना पंख टाइप का होता है या फिर बाल जैसे, रेसे जैसे होते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन द विंड ब्लोज दे आर इजीली कैरीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, तो जब हवा चलेगी तो वो जो है इजीली, चूंकि उनके विंग्स हैं या फिर उनके हेयर जैसे रेशे जैसा उनका स्ट्रक्चर है, तो वो हवा के साथ इजीली जो है उड़ जाते हैं, ठीक है, और पेरेंट प्लांट से जो है दूर जाके गिर जाते हैं। एग्जाम्पल में मदर, हिप्टेज या कॉटन के सीड्स जो है वो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब जैसे यहाँ पर कॉटन के सीड का एग्जाम्पल देख लो, अब बेचारा ये छोटा सा सीड, राइट, और इसके चारों तरफ जो है इतना सा जो है तुम्हारा कॉटन का रेशा जो है वो चिपका हुआ है, इसको हेयर कह सकते हो तुम, राइट। तो हवा, और ये काफी हल्का भी है, सीड तो हल्का है ही, साथ साथ ये जो कॉटन का ये जो रेशा है इसके बगल में, बाल जो है ये भी काफी हल्का है, तो जैसे ही हवा चलेगी ये इस कॉटन के साथ जो है उड़ता हुआ ये बेचारा सीड जो है ये भी लंबी लंबी दूरी तक जो है ट्रेवल कर जाएगा, डिस्पर्सल हो गया इसका। या फिर ये मदर सीड्स आपने देखा भी होगा, बचपन में आपने इसको उड़ाया भी होगा अपने हाथों से, ठीक है, उसके ऊपर भी जो है बाल का एक गुच्छा टाइप का, रेशे का एक गुच्छा टाइप का होता है, ये भी काफी हल्का हुआ, जैसे ये हवा चलेगी तो इन्हीं हेयर्स के साथ ये सीड भी जो है उड़ता हुआ ट्रैवल करने लगता है। या फिर ये हिप्टेज सीड्स, इनमें जो है एक्चुअली बीज के साथ ही ये विंग्स जैसे स्ट्रक्चर जो है वो अटैच्ड होते हैं, तो जैसे ही हवा चलेगी तो ये उड़ते हुए जो है इधर से उधर चले जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया डिस्पर्सल बाय विंड, एग्जाम्पल में आपको जो है मदर, हिप्टेज, कॉटन सीड्स ये याद रखना होगा, और इन सीड्स के ऊपर कौन किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, विंग्स या हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा एजेंट कौन था, वाटर। अब इसे देखो कि लोटस फ्रूट जो है, लोटस फ्लावर तो आप जानते ही हैं, राइट, तो लोटस फ्लावर में इसका फ्रूट भी होता है, ए स्पंजी पार्ट एंड द कोकोनट हैज थिक फाइब्रस कोट व्हिच इनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर। सो व्हेन अ कोकोनट फॉल्स फ्रॉम अ ट्री इनटू वाटर इट फ्लोट्स एंड ट्रेवल्स विद द वाटर वेव्स टू फॉल फार ऑफ प्लेसेस। तो देखो लोटस के फ्रूट की अगर तुम बात करो तो लोटस का फ्लावर के अंदर में ये फ्रूट होता है, ठीक है ना, तो ये जो फ्रूट जो होता है इसका एक स्पंजी पार्ट होता है, बिल्कुल सा स्पंज, तो जानते हो ना स्पंज, तो जानते हो गए आप लोग, स्पंज का बॉल जैसे लोग कहते हैं ना, स्पंज के बॉल से खेलते हैं, राइट, या फिर मान लीजिए कि बर्तन साफ करने के लिए भी लोग स्पंज का यूज करते हैं, काफी जो है हल्का होता है ये, ठीक है, और पानी में नहीं डूबेगा ये, तो लोटस के फ्रूट जो है उसका ये स्पंजी पार्ट होता है, मतलब कि वो पानी में नहीं डूबेगा। या फिर कोकोनट जैसे है, नारियल जैसे है, तो इसके ऊपर क्या होता है, तो मोटा सा फाइबर का जो है कोटिंग होता है, कवर टाइप का होता है, राइट, कोकोनट फ्रूट को अगर देखो यहाँ पर, ये मोटा सा जो है ये फाइबर का कोटिंग है ना इसके ऊपर से, राइट, तो इस फाइब्रस कोटिंग की वजह से क्या होता है कि चाहे लोटस का फ्रूट हो या फिर कोकोनट फ्रूट हो, ये अगर पानी में गिरेगा तो पानी, जैसे यहाँ पर नदी किनारे मान लो या तालाब किनारे, नदी किनारे अगर ये कोकोनट का प्लांट है, तो इसका जब ये फ्रूट जब पानी में गिरेगा, या कोकोनट सॉरी लोटस जो है वो तो पानी में होता ही है, तो इसका जो फ्रूट होगा वो जो पानी में गिरेगा तो पानी के साथ ये बहते हुए फ्लोट करते हुए जो है ये दूर दूर के जगहों तक जा सकता है, और जहां भी पहुंचेगा वहां पर नया प्लांट जो है वो पैदा हो जाएगा। तीसरा जो एजेंट है दैट इज एनिमल्स, दोज आर एनिमल्स, तो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब इस देखो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स जो है, हम लोग भी फ्रूट्स खाते हैं जैसे एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन वगैरह, और फिर उनके बीज को हम फेंक देते हैं, तो दीज सीड्स ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब ये सीड जो आप फेंकेंगे, ये सीड जो है फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जो है नए प्लांट में बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आम के सीजन में आप लोग आम तो खूब खाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही देखिएगा कि आपके घर के आसपास में ढेर सारा आम का पेड़ पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने आम तो खाया था, लेकिन गुठली क्या किया था आपने, तो गुठली आपने जो है, तो मान लीजिए ये अगर आपका घर हो गया, राइट, तो अपने घर घर के आसपास में आपने क्या किया, आम खाया और गुठली को जो है इधर 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 जो है फेंक दिया, राइट, यहाँ 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 जो है आपने गुठली को फेंक दिया, तो ये जो गुठली को आपने फेंका इधर उधर, तो क्या होगा, जैसे ही बरसात का टाइम आएगा ये गुठली सब जो है इसमें से फिर क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट, जर्मिनेशन ऑफ सीड शुरू होगा, नए प्लांट, नए जो है सीडलिंग आएंगे, नए प्लांट आ जाएंगे फिर आपके, राइट, तो यही प्रोसेस होता है। तो दीज सीड्स ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब जैसे कि सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बर्डक, जैंथियम और कोकलबर, टाइगर नेल एंड स्पीयर ग्रास हैव हुक्स और स्पाइंस। अब ये सब घास तो जानते होगे ना आप लोग,
तो इनके साथ ये जो स्पाइन टाइप का है ये जो देख रहे हो, तो इनके साथ क्या होता है, दे गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स और क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड आर कैरीड टू अदर प्लेसेस. These seeds also grow into new plants. जैसे कभी आप ग्राउंड में खेलते हुए जाते होंगे तो खेलते वक्त भी आप क्या देखते हैं, आपके पैर में जो है बहुत सारे घास का जो है वो दारा दारा टाइप का चुभ जाता है. वो भी क्या है, वो भी एक्चुअली आप सीड ही कैरी कर रहे हो. या फिर ये जो है हम लोग जो है एक्चुअली जंगल के एरिया में, जंगल वाले एरिया में जाओगे तो ये जो है इसका हुक जो है वो आपके बाल वगैरह में जो है चिपक सकता है, आपके कपड़े में चिपक सकता है. अब जब आप बाहर निकलोगे तो क्या करोगे, आप उसको जो है अपने कपड़े से डिटैच करके फेंक दोगे, राइट. कपड़े से डिटैच करके मान लीजिए आपने इसको फेंक दिया, लेकिन जहां भी अब ये गिरेगा वहां पर जैसे ही इसको पानी और क्या कहोगे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये नए प्लांट में बदल जाएगा, राइट. इसके अलावा जो है जैसे स्क्विरल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे बरी नट्स टू ईट ड्यूरिंग विंटर एंड दे ऑफ्टन फॉरगेट. स्क्विरल्स बेचारे भी खाने का जुगाड़ करके रखते हैं, वो गर्मी के टाइम में ही जो है नट्स वगैरह को जो है छुपा छुपा के रखते हैं कि विंटर में खाने के लिए रखेंगे इसको, बट दे ऑफ्टन फॉरगेट, वो अक्सर जो इसको भूल जाते हैं. तो ये नट्स जो है दीज नट्स में ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ये नट्स भी जो है नए प्लांट्स में बदल सकते हैं. या फिर व्हेन बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स और सीड्स, सम ऑफ द अनडाइजेस्टेड सीड्स पास आउट इंटैक्ट इन देयर एक्सक्रेटर. बर्ड्स या एनिमल्स जब फ्रूट्स या सीड्स खाते हैं तो कुछ जो अनडाइजेस्टेड सीड वगैरह जो होगा वो वैसा ही जो है उनके एक्सक्रेटा में, एक्सक्रेटा मतलब हो गया मल वेस्टेज, ठीक है, उसमें निकल जाएगा, तो फिर वो सीड जो है वो वहां पर पैदा हो जाएगा, है ना. ये गुआवा वगैरह के प्लांट्स जो देखिएगा बहुत ही अजीब अजीब जगहों पर आपको जो है मिल जाएंगे, और उनमें जो है इस तरह के डिस्पर्सल का काफी बड़ा रोल होता है, बिकॉज गुआवा सीड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. गुआवा सीड्स जो है बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होते हैं, ओके. और फिर फाइनल जो है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जब ड्राई हो जाते हैं तो बिल्कुल सीधा फट जाते हैं एकदम से, और द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड्स टू स्कैटर अवे. और जो एक्सप्लोजन का जो फोर्स होता है वो इन सीड्स को फैलने में जो है हेल्प कर देता है. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, इसे कहते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. इसके एग्जाम्पल में आपका हो गया पॉपी, पी एंड बैल्सम सीड्स, जो कि एक्सप्लोजन के द्वारा जो है डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं. सो वेल दैट इज अबाउट डिस्पर्सल एंड एवरीथिंग. Now in the next session we are going to look into growing new plants from other parts of the new plants from other parts of the plant and everything. तो वो सब लेकिन होगा अगले session के लिए, आज हम लोग बस dispersal के साथ ही pause लेते हैं. You guys are supposed to read this section once again. आप जो है इस section को एक बार जो है पूरा पढ़ लीजिएगा loudly, जोर से. And if you have any problem anywhere, you can ask the question in the group. आप group में जो है अपना सवाल भी रख सकते हैं. Otherwise फिर हमारा तो practice assignment आपके पास पहुंचेगा ही. Okay, bye-bye. Have fun.